हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सीन इंडियन। मैं सत्यम देव एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जल्द से जल्द आईबाजी बेहतरीन सेशन स्टार्ट करते हैं। फिर भी एक वही स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग कि केवल 15 मिनट आपका मुझे चाहिए, सिर्फ 15 मिनट में आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट दूंगा दोस्तों। तो जल्द से जल्द आप लोग लाइवाजी बेहतरीन सेशन स्टार्ट करते हैं और सभी का स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार बेहतरीन तरीके से सबका एकदम बेहतरीन तरीके से समझ लो, एकदम बेहतरीन सोल्यूशन होने वाला है। जो भी सोनानी मेंटोनिम्स होंगे सब ओरिएंटल क्वेश्चन होंगे दोस्तों, और कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। ज्यादा आपका समय नहीं लिया जाता, केवल 15 मिनट, और उस 15 मिनट में बेहतरीन शब्द आपको दिखाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए इस सेशन को एक छोटी सी जानकारी के साथ स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हिंदी की आपकी जो बैच है वो मात्र 999 रुपए में दोस्तों, और साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे कि इसी के साथ यूपी टेट की बैच दोस्तों, वो भी आपको 999 रुपए में प्रोवाइड की जाएगी। सुपर टेट की बैच 1999 रुपए में। देखिए दोस्तों, जो भी शेड्यूल लगा है सब बेहतरीन जानकारी आप यहां से ले लीजिए, और अधिक जानकारी आप चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल करके। और एक चीज मैं आपको पहले बता दूंगा, जो भी बैच है सब एकदम बेहतरीन वीडियो कंटेंट के साथ आपको मिलेगी, और सब कुछ बेहतरीन टॉपिक वाइज आपके मॉक टेस्ट लिए जाएंगे दोस्तों। सारे पीडीएफ स्टडी मटेरियल्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि अगर ज्यादा कुछ जानना चाहते हैं इसके बारे में तो इस नंबर पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं, ठीक। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। अब एक बार सेशन को शेयर कर लीजिए, सब लोग लाइक कर दीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन सेशन दोस्तों। और ध्यान से मैं पहले ही बता दूं, और आज की क्लास में आप जरूर जुड़ेंगे मुझसे, क्योंकि बेहतरीन तरीके से 2 बजे की क्लास में आपको वॉइस बताऊंगा, और एकदम बेहतरीन तरीके से एकदम जड़ में बताऊंगा वॉइस का कि कहां से स्टार्टअप होता है, क्या इसके मुख्य कारण, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, एक बेहतरीन शब्द के साथ। बताइए ऑब्जर्व क्या लिखा है बच्चा? ऑब्जर्व कहने का मतलब क्या होता है? ऑब्जर्व कहने का मतलब होगा बच्चा शोषित करना। क्या होगा बेटा? शोषित करना, या हो सकता है सोखना। क्या होगा? सोखना, ठीक है ना। चलिए सिनोनिम्स की बात करेंगे बच्चा, तो सिनोनिम आपका क्या होगा? सो कप होगा और सॉप अप होगा, ठीक है ना। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो एक्सक्यूड होगा और सीक्रेट होगा। इसको जल्द से जल्द आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आपको ले चलते हैं अगले शब्दों में दोस्तों। तो जल्द से जल्द आप इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला शब्द देखते हैं क्या है। अगला शब्द आपका बून है। बून कहने का मतलब क्या होता है बच्चा? वरदान होता है। क्या होता है? वरदान होता है। आप इसको लिख लेंगे। जब बात करेंगे सिनोनिम का दोस्तों, तो बेनिफिट होता है और फेवर होता है, कि मतलब आपके फेवर में बातें की जा रही है, ठीक। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो डिसएडवांटेज होगा दोस्तों और लॉस होगा। आप इसको क्या कर लीजिए? स्क्रीनशॉट कर लीजिए। बून की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है? वरदान होता है। सिनोनिम्स की बात करेंगे बच्चा तो बेनिफिट और फेवर होगा। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो डिसएडवांटेज होगा और लॉस होगा बच्चा, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ज्यादा समय नहीं गंवाना है, जल्द से जल्द। और कॉपी कलम बच्चा बिल्कुल निकाल कर आप सबको बैठना है, ठीक है ना। चलिए अगले शब्द पे चलते हैं। तो एरर मतलब क्या होता है? गलती होता है बेटा। क्या होता है? गलती होता है, ठीक है ना, या गलती करना एक तरीके से आप समझ लीजिए, ठीक। जब सिनोनिम की बात करेंगे बच्चा, तो मेक अ मिस्टेक होगा या मिस जज होगा। मेक अ मिस्टेक होगा या मिस जज होगा। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो क्या होगा? कॉम्प्रीहेंड होगा, एक तरीके से अच्छे तरीके से समझ होता है, ठीक है ना। कॉम्प्रीहेंड मतलब समझा हुआ, एरर मतलब क्या होता है? मिस्टेक होता है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले शब्दों पर। अगला आपका शब्द कौन सा होता है बच्चा? अगला शब्द होता है लोमलोम। मतलब क्या होता है? एक तरीके से आप कह लीजिए कि धुंधला दिखाई देना। क्या होता है? लूम दिख रहा है, मतलब धुंधला दिखाई देना। इसके लिए आप कौन सा शब्द यूज करते हो बच्चा? लूम दिखाई, लूम करते हो। लूम मतलब क्या होता है? धुंधला दिखाई देना, ठीक। सिनोनिम की बात करेंगे तो अपीयर होगा और फिगर होगा। एंटोनिम्स की बात करेंगे बच्चा, फेड होगा और क्या होगा? ड्वाइंडल होगा। फेड होगा और आपका ड्वाइंडल होगा। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आपको ले चलते हैं अगले शब्दों पर दोस्तों। तो पहले आप इसको क्लियर कर लीजिए, ठीक। तो चलते हैं अगले शब्द पर। अगला कौन सा शब्द होने वाला है जरा ध्यान से देखिएगा। अगला शब्द है कि देख, ध्यान से देखिएगा, पैरासाइट। पैरासाइट कहने का मतलब क्या होता है? पैरासाइट कहने का मतलब होगा एक तरीके से परजीवी। पैरासाइट कहने का मतलब होगा परजीवी। क्या होगा बच्चा? परजीवी। अच्छे से लिख दे रहे हैं, परजीवी लिख लीजिए आप इसको, परजीवी। पैरासाइट मतलब क्या होगा? परजीवी। सिनोनिम की बात करेंगे बच्चा तो लीस होगा और ब्लड शुगर होगा। क्या होगा? लीस होगा और ब्लड शुगर होगा। एंटोनिम्स की बात करेंगे बच्चा तो सेल्फ डिपेंडेंट होगा। क्या होगा? सेल्फ डिपेंडेंट होगा। लेसिवियर होगा, लेसिवियर और सेल्फ डिपेंडेंट एंटोनिम्स होंगे पैरासाइट के। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आपको ले चलते हैं अगले शब्दों पर बच्चा, ठीक है ना। अगला शब्द, इससे पहले मैं आपको जानकारी देता हूं, आप सबके बीच में अपनी हिंदी की जो किताब है बच्चा वो 299 रुपए में, साथ ही साथ वीडियो की
भी कहो 199 रुपए में पेट कॉम्बो बुक है जो बच्चा, वो 350 रुपए में, साथ ही साथ पेट की जो स्पेशल बुक है वो आपको 300 रुपीज में, साथ ही साथ आर ओ आर की जो बुक है बच्चा वो 175, और साथ ही साथ लेखपाल के कॉम्बो बुक की बात करेंगे तो 300 में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट आपको नहीं देना है बच्चा, फ्री होम डिलीवरी है, एकदम घर बेहतरीन तरीके से पहुंचा दी जाएगी आपको। बेहतरीन कंटेंट पढ़ने के लिए आप जल्द से जल्द इन बुक्स को, सारी बुक्स को क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल करेंगे। और आइए देखते हैं अगला कौन सा शब्द होने वाला है। अगला शब्द आपका कौन सा है? अगला शब्द रिटॉर्ट है। रिटॉर्ट कहने का मतलब क्या होगा बच्चा? रिटॉर्ट कहने का मतलब होता है प्रत्युत्तर होता है। क्या होता है बच्चा? प्रत्युत्तर होता है। सिनोनिम की बात करते हैं तो रिप्लाई होता है, रिप्लाई रिज्वाइन होता है, और एंग्रीली क्या होता है? रिप्लाई, और एंगरली होता है, रिज्वाइन होता है। जब एंटोनिम्स की बात करेंगे तो आस्क होता है और रिक्वेस्ट होता है। रिप्लाई एंगरली मतलब क्या होता है? प्रत्युत्तर, तुरंत उसका जवाब देना एकदम गुस्से में, ठीक है ना? तो रिप्लाई एंगरली या आप कह लीजिए रिज्वाइन, ठीक। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो आस्क और रिक्वेस्ट होगा बच्चा। रिटॉर्ट कहने का मतलब प्रत्युत्तर देना, मतलब गुस्से में एक तरीके से जवाब, ठीक। तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आपको ले चलते हैं अगले शब्दों पे। और अगला कौन सा बेहतरीन शब्द होने वाला देखते हैं। अगला सन होने वाला। सन मतलब क्या होता है? एक तरीके से आप समझिएगा, सन कहने का मतलब होगा त्यागना होगा बच्चा। क्या होगा? त्यागना। सिनोनिम की बात करेंगे तो अवॉइड होगा और इल्यूड होगा। एंटोनिम्स की बात करेंगे बच्चा तो कोर्ट और इनवाइट होता है। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए अच्छे तरीके से। सन की बात करेंगे तो त्यागना होगा, सिनोनिम अवॉइड और इल्यूड होगा। एंटोनिम्स की बात करेंगे बच्चा तो क्या होगा? कोर्ट होगा और इनवाइट होगा। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर देखते हैं अगला कौन सा शब्द होने वाला है, ठीक है ना? अगला देखिए स्पेसियस। स्पेसियस कहने का मतलब क्या होता है बच्चा? एक तरीके से आप समझ लीजिए विस्तृत होता है। क्या होता है? विस्तृत होता है, या आप कह लीजिए बड़ा, ठीक है ना? चलिए, जब बात सिनोनिम की बात करेंगे तो रूमी होगा और सीजेबल होगा। क्या होगा? सीजेबल होगा और रूमी होगा। एंटोनिम्स की बात करेंगे बच्चा क्या होगा? क्रैम्प्ड होगा और कॉन्फाइंड होगा। जब हम बात करेंगे स्पेसियस के सिनोनिम्स की बच्चा तो रूमी होगा और सीजेबल होगा। जब एंटोनिम्स की बात करेंगे बच्चा तो क्रैम्प्ड होगा और कॉन्फाइंड होगा। सबसे बेहतरीन तरीके से आप देखेंगे इसको, समझिए स्पेसियस मतलब क्या होता है? विस्तृत होता है या बड़ा होता है, ठीक है ना? आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। वेन डिजन भी इसका क्या होता है, और डीजी भी होता है उसका, जैजी भी होता है, सिनोनिम्स, ठीक है? इसको आप लिख लीजिए। फिर चलते हैं अगले शब्दों पे आपको लेकर। देखिए सबमर्ज। सबमर्ज कहने का मतलब क्या होता है भाई? सबमर्ज कहने का मतलब एक तरीके से डूबना होता है। क्या कह लीजिए आप? कह लीजिए आप डूबना कह लीजिए, या आप कह लीजिए गोता लगाना। क्या कह लीजिए? गोता लगाना, ठीक है ना? जब इसके सिनोनिम की बात करेंगे बच्चा तो क्या होगा आपका? सबमर्ज लिखी दी है, खुद ही लिखा है, और इमर्ज लिख लीजिए। क्या लीजिए? सबमर्ज तो खुद ही है और इमर्ज हो गया, ठीक है ना? या आप कह लीजिए सिंक कह लीजिए। क्या कह लीजिए बच्चा? सिंक कह लीजिए, ठीक, डुबकी लगाना। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो फ्लोट होगा और होवर होगा, ठीक, फ्लोट और होवर होगा। इसको आप क्या कह लीजिए? स्क्रीनशॉट कर लीजिए बेहतरीन तरीके से, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, ठीक है ना? तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आपको ले चलते हैं अगले शब्दों पे। और अगला कौन सा शब्द होने वाला है देखते हैं बच्चा। अगला देखिएगा सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट कहने का मतलब क्या होता है भाई? कर्मचारी होता है। क्या होता है? एक तरीके से कर्मचारी। क्या होता है बच्चा? कर्मचारी होता है, या आप कह लीजिए अधीनस्थ कह लीजिए। क्या कह लीजिए? अधीनस्थ कह लीजिए। जब हम सिनोनिम्स की बात करेंगे बच्चा तो असिस्टेंस होगा, असिस्टेंट जूनियर, ठीक है ना? असिस्टेंट जूनियर मतलब किसी जूनियर असिस्टेंट की बात कर रहा है, और हेल्पर की बात कर रहा है, कर्मचारी। एंटोनिम्स की बात करेंगे सीनियर और बॉस होगा। अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, ठीक है ना? आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चा, फिर आपको ले चलते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला देखते हैं कौन सा बेहतरीन शब्द होने वाला है, ठीक है ना? इससे पहले मैं आपको बता दूं, हिंदी के लिए इंडिविजुअल बैच प्रारंभ हो चुका है दोस्तों। ध्यान से देखिएगा, आर ओ आर ओ वाले बेहतरीन तरीके से वो अच्छे तरीके से समझेंगे कि उसमें 60 क्वेश्चन आपके हिंदी के आने वाले हैं, ठीक है ना? तो आप इस बैच को परचेज करेंगे, बेहतरीन कंटेंट से आपको हिंदी पढ़ाई जाएगी, हिंदी का कोर्स दिया जाएगा, और सब कुछ यहां पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल्स भी मिलेंगे। इस बैच के साथ साथ फ्री मॉक टेस्ट होगा हर एक चैप्टर्स के, ठीक है ना? तो जल्द से जल्द आप इसे परचेज कर सकते हैं मात्र 999 रुपए में बच्चा, ठीक है ना? केवल 999 रुपए में। तो चलिए देखते हैं अगला कौन सा शब्द है। अब अगला शब्द है क्या? सबसिक्वेंट। सबसिक्वेंट कहने का मतलब क्या होता है? सबसिक्वेंट कहने का मतलब होगा बच्चा क्रमशः होगा। क्या होगा? क्रमशः होगा, या आप कह लीजिए परिणाम स्वरूप। क्या कह लीजिए? परिणाम स्वरूप, ठीक। जब बात करेंगे बच्चा सिनोनिम का तो क्या होगा? सक्सीडिंग होगा और फॉलोइंग होगा। जब इसके एंटोनिम्स की बात करेंगे तो प्रोसीडिंग होगा आपका, प्रियर होगा, ठीक। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आपको ले चलते हैं अगले शब्दों में दोस्तों। तो जल्द से जल्द आप लिख लीजिए इसको, फिर अगला देखते हैं रिज्यूम। रिज्यूम मतलब क्या होता है? फिर से शुरू करना। क्या कह सकते हैं बच्चा? फिर से
शुरू करना या आप समझ सकते हैं कि प्राप्त करना, क्या प्राप्त करना, रिज्यूम कहने का मतलब, ठीक है। जब इसके सिनोनिम की बात करेंगे क्या होगा बच्चा, रिकमेंडेंस होगा और रिटर्न टू होगा। एंटोनिम्स की बात करेंगे स्टॉप होगा और डिसकंटिन्यू होगा। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, लिख लीजिए बेहतरीन तरीके से, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, इसके सिनोनिम बहुत बार पूछे जा चुके हैं रिज्यूम के, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं अगला कौन सा शब्द होने वाला है। अगला आपका टैपर है। टैपर मतलब क्या होता है बच्चा, टैपर मतलब होता है पतला, क्या होता है एक तरीके से पतला, या तो समझ लीजिए नुकीला करना, क्या होगा बच्चा नुकीला करना, ठीक है ना। टैपर मतलब पतला या फिर नुकीला करना। जब बात इसके सिनोनिम्स की करेंगे बच्चा तो क्या होगा, गेट थिनर होगा और नैरो होगा। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो इंक्रीज होगा और वाइडन होगा। अच्छे तरीके से आप लिख लीजिए, इसके एंटोनिम्स बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। टैपर मतलब क्या होगा, पतला या तो नुकीला करना, ठीक है। इसके सिनोनिम की बात करेंगे तो गेट थिनर और नैरो होगा। नैरो मतलब क्या होता है, नैरो साइड की पैंट, मतलब ऊपर से थोड़ा चौड़े होते हैं, नीचे नुकीला बन जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा इंक्रीज और वाइडन, ठीक, इसको आप लिख लीजिए। फिर देखते हैं अगला कौन सा तीन शब्द है। अगला जो है आपका टार्डी है। टार्डी कहने का मतलब क्या होता है बच्चा बताइए, टार्डी मतलब होता है ढिल्लड़ या ढीला। आप कह लीजिए यार बहुत ढीला है, टार्डी है, या आप कह लीजिए ढिल्लड़, क्या, ठीक है ना। सुने होंगे ये सब। जब सिनोनिम की बात करेंगे तो क्या होगा, स्लगिश होता है और ओवरड्यू होता है, ठीक। जब एंटोनिम्स की बात करेंगे प्रॉम्प्ट होगा और स्पीडी होगा, क्या होगा, प्रॉम्प्ट होता है बच्चा और स्पीडी होता है। तो इसको आप लिख लीजिए, टार्डी मतलब क्या होता है, ढीला, एक ढिल्लड़ की तरीके से बात करेंगे। जब बात करेंगे इसके सिनोनिम्स की तो क्या होगा, स्लगिश बच्चा हो जाएगा और आपकी ओवरड्यू होगा, लिख लीजिए इसको, ठीक है ना। तो चलिए आपको ले चलते हैं अगले शब्द पे, और अगला शब्द कौन सा होने वाला है देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा। बात करेंगे थ्रेशोल्ड की। थ्रेशोल्ड कहने का मतलब क्या होगा, थ्रेशोल्ड कहने का मतलब होगा एक तरीके से दहलीज, द्वार, क्या कहते हैं इसको, दहलीज, गाना तो सुने होंगे ना, दहलीज पर मेरे दिल के, तो दहलीज द्वार, क्या होगा बच्चा, दहलीज द्वार। अब ध्यान से देखिएगा, इसको आप सिनोनिम्स की बात करेंगे तो इंट्रेंस होगा और आपका सील होगा। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो एग्जिट होगा, एग्रेस होगा, एग्जिट बना होता है ना, बाहर करने के लिए प्रवेश की बात करेंगे, ठीक है ना। तो थ्रेशोल्ड कहने का मतलब क्या होगा, दहलीज द्वार होगा। सिनोनिम की बात करेंगे तो इंट्रेंस और स्टील होगा बच्चा। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो एग्जिट और एग्रेस होगा। तो लिख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द थे बच्चा। और इसी के साथ मैं आपको फिर बताता हूं कि नितिन सर द्वारा लिखी गई सारे हैंड रिटन ईबुक्स हैं, जो कि जो कुछ भी आपको पढ़ाया जाता है सब कुछ बेहतर तरीके से फिजिकल रूप में कंटेन रख दिया गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं बच्चा, तो आपके प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, मतलब इतिहास के तीनों सेक्शन आप सबके बीच उपलब्ध हैं। साथ ही साथ सामान्य हिंदी की किताब और इंडियन ज्योग्राफी और क्या होते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था की किताब, ठीक है ना, इंडियन ज्योग्राफी और सामान्य हिंदी की किताब। और इसी के साथ अगर बात करेंगे बच्चे तो साइंस के तीनों सेक्शन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है ना। तो जो भी इंटरेस्टेड होंगे जल्द से जल्द इसको परचेस कर सकते हैं, बेहतरीन कंटेंट है, ठीक है बच्चा। तो ध्यान से देखिएगा अगला आपका जो कवर पेज है वो, थैंक यू, मतलब ये सेशन यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं आप सबसे 2 बजे में, तब तक कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद बच्चों।